तंदूरी आलू। उसके लिए हमने 6 से 7 उबले हुए आलू ले लिए हैं, उसे इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आधा शिमला मिर्च ले लिया है, उसे भी बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। एक बड़ा साइज का प्याज ले लिया है, उसे भी इसी तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून अदरक, हरी मिर्च और लहसुन पिसा हुआ डालेंगे। दो से 3 टेबलस्पून दही, दही थोड़ा गाढ़ा दही ले डालेंगे। आधा नींबू का रस डालेंगे। 1 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। 1 मुट्ठी कस्तूरी मेथी इस तरह क्रश करके इसमें डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच सेका हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ा चम्मच बेसन। इन सबको डालकर अब मिला लेंगे। हाथ को अच्छी तरह से धो के इसे हाथों से ही मिलाएं। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डालें और इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर मिला लें। अब इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। सब्जी हमारी मैरिनेट हो चुकी है। अब एक बेकिंग ट्रे में हम फॉइल पेपर लगाएंगे और इस पे सारी सब्जी को फैलाएंगे। चारों तरफ सब्जी को फैला दें। एक तरफ हमने ओवन को 250 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसे इस तरह चारों तरफ अच्छी तरह से फैला दें। अब थोड़ा थोड़ा बटर इस तरह डाल दें थोड़ी थोड़ी दूर पे। चारों ओर इस तरह थोड़ा थोड़ा बटर डाल दें। इस तरह चारों तरफ बटर डाल के अब इसे हम मिडिल वाले रैक में रखकर बेक करेंगे। इसे मिडिल वाले रैक में 250 डिग्री पे बेक करें। आलू बेक हो चुके हैं। इसे बेक होने में 30 मिनट्स लगे हैं। ये कुछ इस तरह के हो जाने चाहिए। तंदूरी आलू तैयार है। इसे गर्म गर्म सर्व करें। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।